सेंटर पर हम स्टेप कर देख रहे हैं मार्क, एक और मार्क, इस तरह से यहाँ पे प्लस का निशान बन जाएगा। उसके बाद हम इसको कट करेंगे सर्कल शेप में। अब आपको जिस भी शेप देनी है फ्लावर की पत्तियों में, तो आप पत्तियों की तरह भी कट कर सकते हो, लेकिन पहले आप उसको सर्कल शेप में कट करना पड़ेगा ताकि आपकी पत्तियाँ अच्छे से बने। देख लें, मैंने इसके ऊपर प्लस का इस तरह से मार्क लगा लिया, मार्क हो गया। अब हम इसको, मैं इसको कोई शेप नहीं दे रही, इसको सर्कल में ही रखूँगी। इस तरह से हम उठाते जाएंगे एक एक और हाथ से यूँ प्रेस करते जाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है कि मैंने पूरी उठा लिया है। अब हम यूज़ करेंगे पेंट, और अपनी मर्जी से, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कहा था जो आपका फेवरेट कलर है वो यूज़ कीजिएगा। मैं पिंक और पर्पल यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा पानी लेंगे और हल्का सा इस पर ड्रॉप करेंगे, फिर पानी में इसको हल्का सा ड्रॉप करेंगे, और ये देखें हम इस तरह से इस पर कलर लगा लेंगे। दे लुक सो प्रीटी एंड डिसेंट। हल्का हल्का, ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये टिश्यू है, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान ध्यान से शेडेड फ्लावर्स होते हैं, मैं वो बना रही हूँ। अगर आपको ये एक ही कलर में रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर कलर नहीं देना चाहते तो कलरफुल टिश्यूज़ भी आते हैं, क्रैप पेपर एक आता है, टिश्यूज़ की तरह ही होता है वो पेपर भी, आप वो यूज़ भी कर सकते हो। क्रैप पेपर में काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी आते हैं।
तो आपको ये कलर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी चैनल पे बोला था कि घर में रहने वाली चीज़ों से मैं आपको चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, तो मैंने टिश्यू यूज़ किया है, आप क्रैप पेपर यूज़ कर सकते हो। अब मैं यूज़ करूँगी पर्पल कलर इसका, ठीक है, वही सेम टेक्निक, वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे हम इसके लिए भी। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है, अब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। देखें ये सब ड्राई हो गए, मैंने और भी डिफरेंट बना लिए हैं, और अब हम इसको पेस्ट करना आपको सिखाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। हम एक गत्ते के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर आर्ट ड्रॉ किया है मैंने उसको इक्वली, और उसके ऊपर लंबी लंबी स्टिक्स काट के उसको राउंड में बस पेस्ट किया है, और उसके अंदर मैंने कागज़ फिल किया है ताकि ये थोड़ा वजन हो जाए इसके अंदर, और हमारे फ्लावर्स इस पर अच्छे अच्छे लगें। और इसको पेंट भी किया है मैंने वाइट कलर का, पहली बार कि अपनी मर्ज़ी से कलर इसमें यूज़ करें। ये देखें अब मैं वापस ब्लू गन यूज़ कर रही हूँ। वही मैटर, अगर आपके पास UHU कुछ और चिपकाने की चीज़ है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो मैं इस तरह से इस पर पेस्ट कर लूँगी। तो अब देख लीजिए मैंने इसके ऊपर पूरे पे लगा लिया। मैंने इसी तरह से एक बी भी बनाया है, बी मेरे नाम का है और आर मेरी बड़ी बहन के नाम का है। तो मैं अपनी वॉल डेकोरेट करने के लिए स्टार्ट हूँ, तो आप चलें आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं ताकि इधर उधर ना लगे। ये मैंने इस तरह से ये मार्क कर लिया है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे डबल टेपर। ये देखिए डबल टेपर आ गया। अब आ जाए नीचे, थोड़ा डबल टेपर इनका कर लेते हैं काम। मैंने देखें डबल टेपर लगा लिया है। आप अपने हिसाब से लगाएं ताकि आपको पता होगा कि आपकी वॉल किस पर कैसा यूज़ हो। टेपर नहीं हटाने, इसका टेप हटाने याद रखिएगा, अक्सर मैं भी ये बात भूल जाती हूँ। डबल टेपर अच्छी चीज़ है। इसमें इस तरह से यहाँ पे जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ पेस्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था मैंने वहाँ पे बी भी बनाया है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे बी भी लगा दूँगी। ओके, ऊपर भी टेप लगा लिया है फ्रेम्स पे जो हमने बनाए थे, करके इसके सारे टेपर्स हटा देंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ भी मार्क लगाया जैसे मैंने आर के अंदर मार्क लगाया था, ताकि सब इधर उधर ना हो, रूम का सेंटर रहे। आई मीन रूम का सेंटर तो अभी है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन बेड का सेंटर है, ठीक है। अब समझ लो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ लो। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो कितना पाला लग रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ सारे फ्रेम्स फिट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर लाइटिंग करेंगे। मैंने लाइटिंग थोड़ी सेट कर दी है लेकिन अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है, तो चलिए पहले लाइटिंग सेट कर लेते हैं। ये रेडी हो चुका है, मैंने कुछ डेकोरेशन फ्लावर्स दिखाए बीच में, वो देखे लग रहे हैं। अब अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसको लगाना चाहो तो लगाओ, वरना कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसने लगा लिया, मेरी वॉल कंप्लीट हो गई है। अब ये अच्छी लग रही है, एक रेंट फ्रेंडली है कि अगर आप किसी किराए के घर में रहते हो और शिफ्ट करना है तो आप आराम से इस चीज़ को निकाल के और दूसरे घर में पेस्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं दिखाती हूँ ये लाइट बन करके कैसा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई लव इट, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन को भी बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ पर, और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मैं और बहुत सारे सिखाती रहूँगी अगर आप मुझे बहुत सारा प्यार देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।